subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 1.1 and Astrologer's Day. Icebreakers में आप तमाम का इस्तकबाल है. उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे. हमारा अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स बिगिन आइस ब्रेकर एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे. ये क्वेश्चन नंबर, ये पहली एक्टिविटी है यहाँ पर आइस ब्रेकर्स में से. इसमें व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस बारे में पूछा गया है. अब ये स्ट्रेंथ है, व्हाई डू यू फील, सो आपको क्यों महसूस होता है, और ड्रीम करियर, यानी उससे आपका कौन सा करियर, ड्रीम करियर बन सकता है. अब एक है एग्जाम्पल दी हुई है, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसका एहसास क्या है, यानी कैन विजुअलाइज एंड एक्सप्रेस, यानी आप पेंटिंग से आप अपने नज़रिए को बयान कर सकते हैं. अब उसका करियर कहे में हो सकता है, आप एक कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं या फिर एक कार्टूनिस्ट बन सकते हैं फाइन आर्ट वगैरह सीखकर. और इसके अगले दूसरे करियर कौन से है, डांसिंग. अगर आपको डांसिंग में आपकी स्ट्रेंथ है, आपको डांसिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो वो क्या है आपका, आप क्या महसूस करते हैं उसमें, आपके लिए वहाँ पर पैशन है, एक्सप्रेशन है, यानी आप जज्बा है उसके अंदर, उससे क्या बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं. अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो फिर क्या होगा, अगर म्यूज़िक आपकी स्ट्रेंथ है तो उसका, यानी पैशन आपका है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको चलाना अच्छा लगता है, तो आप क्या बन सकते हैं उससे, उसका करियर म्यूजिशियन एंड कंपोज़र. कंपोज़र बोले तो सॉन्ग कंपोज़र या म्यूज़िक कंपोज़र. कुक शेफ, यानी अगर आपको बावर्ची बनना है, शेफ़ बनना है वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल होटल में, लव फॉर फूड, यानी आपका खाने के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आपको खाना बनाना, खिलाना और पकाना बहुत पसंद है, तो आप उससे करियर क्या बनेंगे, या तो शेफ़ बनेंगे या कैटरर्स बनेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कैटरिंग के. उसके बाद है वीविंग एंड सेविंग, यानी कि बुनना और सिलाई करना, तो ये क्या है, कैन डिज़ाइन क्लोथ्स, यानी आप कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं और ड्रेस डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं. अब लोकल मार्केट का जो सीन होता है विलेज, टाउन, सिटी में, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग दिखते हैं, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन है. द सीन इज़ अ लोकल मार्केट ऑफ ए विलेज, टाउन, सिटी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव. पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन सेल देयर वेज, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड वराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द लोकल मार्केट. तो आपको लोकल मार्केट के वराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ को लिखना है, तो कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं. तो पहली चीज़ क्या बयान की गई है, सेलिंग फ्लावर, सेलिंग ग्रोसरी, यानी फूल बेच रहे हैं या फिर किराना सामान बेच रहे हैं, ग्रोसरी बेच रहे हैं. दूसरा क्या है, बार्गेनिंग एंड शॉपिंग, शाउटिंग, नॉइस ऑफ व्हीकल्स. लोग क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, भावताव कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, शाउटिंग चिल्ला रहे हैं, नॉइस ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही है. तीसरे में क्या लिख सकते हैं, और मंजर में क्या नज़र आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सामान और कामकाज वाले लोग आ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है. यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर सेलिंग गुड्स, यानी अलग अलग किस्म की ज़बानों का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए हो रहा है. सेलिंग एंड बॉइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्वीट्स, अटेंसिल्स, पॉट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, यानी या तो लोग कुछ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं. क्या ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, मिठाइयाँ, अटेंसिल्स यानी बर्तन, पॉट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और अलग अलग किस्म की चीज़ें. ये थर्ड वाली एक्टिविटी है, इन अ विलेज, टाउन, सिटी, इट इज़ अ क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, यानी किसी गांव में, छोटे शहर में या बड़े शहर में नजूमी को देख जाना, जो रास्ते पर बैठा रहता है अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट लेकर, साजो सामान के साथ, तो नज़र आता है. तो आपको उसकी लिस्ट बनाना है जो आप वहाँ पर देखते हैं, जो सामान एक नजूमी, एक एस्ट्रोलॉजर लेकर बैठता है. पहला क्या है, पैरेट कार्ड, यानी कि या तो तोता लेकर बैठता है या फिर कार्ड्स लेकर बैठता है. अब यहाँ दूसरे इक्विपमेंट्स क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, कौड़ी, शेल्स, माला, सैफ्रन क्लोथ्स, यानी कौड़ियाँ लेकर बैठता है या फिर वो कंचे लेकर बैठता है या फिर मालाएँ रहती है अलग अलग टाइप की, और उसे कपड़े कैसे होते हैं, सैफ्रन क्लोथ्स होते हैं. उसके अलावा वो सिंदूर लेकर बैठता है, लेमन यानी नींबू लेकर बैठता है, बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी यानी
एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, नजूमियत के ऊपर वो किताबें लेकर बैठता है, फ़ोटोज़ ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, और वो देवी देवताओं की फ़ोटो भी लेकर बैठता है। उसके अलावा मिथिकल चार्ट्स, पंचांग, ये मिथिकल चार्ट्स और पंचांग भी लेकर बैठता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्स, स्टिक्स, रुद्राक्ष एक्सेट्रा, यानी कि वो अलग किस्म की चटाइयाँ या फिर कुछ अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ या फिर रुद्राक्ष भी लेकर वो बैठता है। देर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीव्स अमंग पीपल लिविंग इन आर सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों के अजीब व गरीब अकीदे होते हैं, बिलीफ होते हैं। सर्टन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विथ सुपरस्टिशंस, यानी ऐसी जो आम चीज़ें हैं उससे क्या करते हैं, ये सुपरस्टिशंस से लिंक करके देखा जाता है। अब ये कौन सी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स को आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है और उसको आपने उसके इरेडिकेशन के बारे में भी बोलना है कि आप क्या मीन्स ऑफ इरेडिकेशन है। अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, बोलते हैं ना काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो अब काम नहीं होने वाला है, तो ऐसे ही। अब देखते हैं अगला, अनरीजनेबल बिलीव्स टू ब्लिंक लेफ्ट आई ऑफ अ मैन, यानी कि अगर हमारी बाई आँख फड़फड़ा रही है तो लोग कहते हैं कि देखो बाई आँख फड़फड़ा रही है, कुछ काम नहीं होने वाला है। टू ब्लिंक राइट ऑफ आई ऑफ अ वूमन, यानी औरत की अगर सीधी आँख फड़फड़ा रही है तो भी लोग बदशगुनी समझते हैं। टू टच द ट्रीज एट नाइट, यानी रात के वक्त झाड़ को, दरख्तों को टच नहीं करते। टू कट नेल्स एट नाइट, यानी रात के टाइम पे नाखून नहीं काटना चाहिए। टू टेक सॉल्ट इन द हैंड, हाथ में नमक नहीं लेना चाहिए। स्वीपिंग होम एट नाइट, रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मीन्स ऑफ एरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन, यानी जो बदअकीदापन है या सुपरस्टिशन है उसको निकालने का, एरेडिकेट करने कौन से तरीके हो सकते हैं। क्रिएट अ साइंटिफिक एटीट्यूड, आपको अंदर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा होना चाहिए। क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अमंग मासेस, और मासेस के दरमियान सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट होना चाहिए। एजुकेशन इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल ऑफ पीपल, लोगों को तालीम याफ्ता बनाना चाहिए और उनकी लिटरेसी लेवल बढ़ानी चाहिए। एराडिकेशन ऑफ पावर्टी डैट लीड्स टू सुपरस्टिशन, जो गरीबी है, गुर्बत है, वो कम करना चाहिए ताकि लोग सुपरस्टिशन की चीज़ों की तरफ ना जाए। ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और सुपरस्टिशंस रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने चाहिए। एक्सपोजिंग फॉल्सहुड ऑफ सुपरस्टिशियस पीपल, जो सुपरस्टिशियस बदअकीदा लोग हैं उनके जो गलत बातें हैं, फॉल्सहुड है, उसे एक्सपोज करना चाहिए। वीविंग फिल्म्स, स्टेज शोज, ड्रामा, सेमिनार्स ऑन दिस इश्यूज़, और इन इश्यूज़ के ऊपर फिल्म्स, स्टेज शो, ड्रामा और सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाई।